बहुत सारे कीट हमारे किसानों के द्वारा बोई जाने वाली फसलों को खाते हैं, और जो कीट फसलों को खाते हैं उन कीटों को खाने वाले कीट भी होते हैं, लेकिन जाने अनजाने हम ये नहीं समझ पाए। और क्या हुआ कि जो कीट मेरी फसलों को क्षति पहुंचा रहे थे, मैंने उनको मारने के लिए रसायन डाले। हुआ क्या कि जो कीट फसलों को क्षति पहुंचाने वाले को खाते थे वो मर गए। और फिर क्या हुआ, समस्या बढ़ गई, इंसेक्ट का अटैक और बढ़ता चला गया, और फिर रसायनों का उपयोग और बढ़ता चला गया। आप देख सकते हो कि देश में किसी भी किसान ने मधुमक्खी को, तितली को, केंचुए को, चिड़िया को मारने का प्रयास कभी नहीं किया, लेकिन आज ये लाभदायक कीट सब नदारद हैं। लेकिन जिन कीटों को हम मारते रहे, दीमक को, वाइट ग्रब को, इल्ली को, माहू को, ग्रास हॉपर को, वो सारे कीट आज भी जिंदा है। तो एक तो जिनको मार रहे थे वो मरे नहीं, दूसरा इनको मारने के लिए जब मैं पेस्टिसाइड का प्रयोग किया तो मेरी खेती की लागत बढ़ गई। और क्या हुआ, और बायोडाइवर्सिटी जिसको जैव विविधता कहते हैं वो नष्ट हो गई। जमीन में पाए जाने वाले नाना प्रकार के वह सूक्ष्म जीव जो जमीन को जिंदा बनाए रखते थे वो भी मर गए। और ये जो रसायन मैंने डाले, इनके रेजिड्यूअल इफेक्ट हमारे भोजन में आए, तो हम भी अस्पताल चले गए। हम अपने प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसान को यही बताते हैं कि प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति में एक व्यवस्था परमात्मा ने दी है, इस प्रकृति के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है कि जो सारी चीज़ें स्वतः नियंत्रित करती है। और प्रकृति की व्यवस्था कहती है कि जहाँ तुम्हारा हस्तक्षेप ना हो, जितना तुम अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो आप हमारी व्यवस्था में दखलंदाजी ना दो। लेकिन क्यों ना दें, क्योंकि कुछ लोगों को धनाढ्य बनना है, किसान को बेवकूफ बनाना है कि दीमक ये कर डालेगी, वाइट ग्रब ये कर डालेगा, इल्ली इतना नुकसान कर देगी, माहू इतना नुकसान कर देगी, ये पत्ती खाने वाला कीड़ा ऐसा कर देगा और इसके लिए आपको दवा डालनी पड़ेगी। तो किसान बेचारा डालने लगा, और हालात क्या हुआ कि हम मारने चले थे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को। और हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि हम खुद ही मरने की कगार पर पहुंच गए। मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि प्राकृतिक खेती में प्रकृति की व्यवस्था को समझना है। अगर हम प्रकृति की व्यवस्था को नहीं समझ पाए तो फिर प्रकृति हमको भी नहीं समझेगी, फिर क्या होगा, ये होगा जो आज हो रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा है, किसान खूब मेहनत करता है, सोचता है कि इस साल शायद लखपति बन जाए, लेकिन पता चलता है कि फसलों की उत्पादन लागत इतनी ज़्यादा हो गई और असंगठित सेक्टर है, फसल जो बोई थी और वो मंडी में उसका भाव नहीं मिला, तो चला तो था वो कि इस साल मुझे कुछ फायदा होगा और घाटा हो गया। घाटा हो गया तो क्या हुआ कि वो कई बार देश में हजारों किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या कर लेते हैं। मित्र, ये सिलसिला कब तक चलेगा? तो मैं एक ही चीज कहता हूँ कि आप प्रकृति की व्यवस्था को एक बार समझने का प्रयास करिए और प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में जीने की कोशिश करिए,
और प्रकृति में पाई जाने वाली नाना प्रकार की जड़ और चेतन इकाइयों को नष्ट करने का, डिस्ट्रॉय करने का मन में ख्याल ही मत आने दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म को मानता है, धर्म की बात करता है, भगवान की पूजा करता है, परमात्मा को कंसीडर करता है, तो उसको एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि सारे यूनिवर्स में सारी व्यवस्थाएं, सारे जीव जंतु परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा रचे गए हैं, और हम उनको मारने का प्रयास करते हैं तो हमको दिक्कत होती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।